नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। दोस्तों सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा देर से आ रहा है, दो चार दिन बीत गए हैं क्योंकि थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे, सो आपका क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अब से रेगुलर हमारे वीडियो शुरू रहेंगे। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था और उसमें नागरिकों का स्थान, कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं, कैसे अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पा सकते हैं, ये आज का हमारा मुख्य विषय है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की इस महामारी में जहाँ पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था डावाडोल हो चुकी है, उसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था भी यूँ कहे तो पटरी से उतरती जा रही है, लेकिन इस समय में ऐसा क्या करें कि हमें आर्थिक रूप से थोड़ी सहायता मिल पाए व्यक्तिगत रूप से, तो आज का वीडियो हमारा इसी विषय पर है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें आप पैसे लगाए तो सुरक्षित भी रहेंगे और बैंक एफडी से भी ज़्यादा ब्याज मिलेगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि उस स्कीम के फायदे और नुकसान क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार 1 जुलाई 2020 से अपनी फाइनेंस रिलेटेड स्कीम जारी करने जा रही है जिसका नाम है FRSB, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। ये बॉन्ड 2018 के 7.75 ब्याज वाले बॉन्ड की जगह रिप्लेस किए गए हैं, जिसको अभी हाल ही में सरकार ने 28 मई 2020 को बंद कर दिया था, उसकी जगह ये नए बॉन्ड आ गए हैं। और आगे देखते हैं कि इस बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत क्या रहेगी कि इसमें सबसे पहली बात है कि ये सरकारी बॉन्ड है तो आपके जो पैसे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस बॉन्ड से रिलेटेड डिपॉजिट समय मर्यादा और इंटरेस्ट रेट सभी का खुलासा कर दिया है। तो आइए देखते हैं इसके फीचर्स क्या है और किस तरह से आप ये बॉन्ड ले सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये बॉन्ड जो है वो 7 साल की समय मर्यादा के लिए रहेगा। इस बॉन्ड पर आपको साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, जनवरी और जुलाई को। इस बॉन्ड पर आपको 7.15 के हिसाब से 1 जनवरी 2021 तक ब्याज मिलेगा, लेकिन उसके बाद हर 6 महीने में ब्याज दर फिर से नए सिरे से तय किए जाएंगे। मिनिमम ये बॉन्ड आप 1,000 रुपये तक का खरीद सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। दूसरी खास बात कि ये बॉन्ड कैश में आप 20,000 रुपये तक के ले सकते हैं, और अगर इससे अधिक लेना चाहते हैं तो आप चेक से, ड्राफ्ट से या ई पेमेंट से ले सकते हैं। ये बॉन्ड आपको कोई भी सरकारी बैंक या IDBI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या ICICI बैंक से मिल जाएगा। इस बॉन्ड से रिलेटेड एक बात ये भी है कि ये बॉन्ड आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में मिलेगा, फिजिकली इस बॉन्ड को आप कोई कागज़ या ऐसे नहीं ले सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो बैंक FD में जो ब्याज के दर है उस हिसाब से ये बॉन्ड आपको काफ़ी किफ़ायती और फायदेमंद हो सकते हैं। FD से ज़्यादा फायदा आपको बॉन्ड में मिलेगा क्योंकि FD के अभी हाल के जो ब्याज दर है उसको देखें तो 1 से 2 साल के लिए 2.10, 3 से 5 साल के लिए 5.30 और 5 से 10 साल के लिए अगर आप पैसे रखते हैं तो 5.40 के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, और उसमें सीनियर सिटीज़न को कुछ प्रतिशत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि 5.60% से 6.20% तक वार्षिक ब्याज है। तो इस हिसाब से ये बॉन्ड काफ़ी सुरक्षित है और आपको फ़ायदा देने वाले हैं। अगर 7 साल के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है तो इस स्कीम में रोकना काफ़ी मुनासिब होगा। जहां एक और शेयर मार्केट हो या और कोई बिजनेस हो, पैसे की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इस माहौल में ये स्कीम एक जड़ी बूटी के समान है। तो अगर आपके पास पैसे पड़े हैं और आप उस पर ज़्यादा ब्याज
लेना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए ही है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से दोहरा दें कि जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, और नीचे दिया गया यहाँ पर बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको जब भी नए वीडियो अपलोड हो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।